आप सब इस मानसिकता में आ गए हो तो मैं देश के उस स्वनाम धन्य हस्ताक्षर को आमंत्रित करता हूँ जो सोशल मीडिया पर इस समय बहुत ज़्यादा वायरल है, उनके प्रशंसक यहाँ बल्कि सभी के प्रशंसक बैठे हुए हैं। मैं ऐसे किसी की हिस्सेदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं नाम लूँगा और आपकी तालियाँ बज जाएगी। बाबा महाकाल नखरे में यदि मैं शंभू शिखर को दावत न दूँ तो कैसे काम चलेगा? भाई शंभू शिखर मैं बुलाऊँ बेहतर होगा, आप सबकी जोरदार तालियाँ भाई शंभू को आमंत्रण दे। आप श्री सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल चौराहे पर कवि सम्मेलन है। अगर इतनी रात को मैं बिना कवि सम्मेलन के किसी चौराहे पर खड़ा हो जाऊँ तो किसी आदमी में हिम्मत नहीं है कि वो मेरे सामने खड़ा रह सके, उसे साक्षात प्रेत के दर्शन हो सकते थे। लेकिन ये तो भला हो कवि सम्मेलन वालों का कि आप लोग मुझे देख रहे हैं। उज्जैन के लोग भी कमाल है, हमारे गांव में ऐसी जगह का उपयोग नज़र उतारने के लिए किया जाता है। लोग सुबह सुबह वो नींबू काट के चढ़ा जाते हैं, मिर्ची रखी मिलती है चौराहे पे जहाँ पे आपने कवि रख दिए हैं। चार लाइनें सुनाता हूँ, क्या सुन रहे हो, कान में क्या बता रहे हो, माइक दो उन्हें, क्या कुछ विशेष कह रहे हैं क्या? नहीं वो पूछ रहा है, ये सब क्या कह रहे हैं, वो पूछ रहा है, वो शंभू शिखर ही है ना, ये पूछ रहा है। अच्छा। तो मैंने कहा टच करके देख ले करंट मारे। अच्छा ये नहीं पूछ रहा ये गौरी मिश्रा ही है फिर ये कह कि टच करके देख ले बताओ अशंभू भाई जी बहुत अच्छा, गौरी कह रही है मुझे अभी बैठ बताती हूँ, शंभू को बता भी सकती है, गौरी है। वाह वाह जय हो, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। राजनीति की मैं कोई बात करूंगा नहीं, बस पिछले दिनों मैंने मोदी जी से पूछा मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग एक ही लाइन में समझ जाते हैं। पिछले दिनों वो चीते भारत आए थे जानी भैया, तो मैंने चीते से भी पूछा भाई जो आदमी मोदी से पूछ सकता है उसके लिए चीते कितनी बड़ी बात है, तो मैंने चीते से भी पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो तुम्हें यहां आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। बोले वहां के बिहारी लाल की। एक आदमी मिला बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे त्रेता युग में ले जाए। एक बार मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, सगी से पूछनी पड़ती है, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं? बोली नहीं मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महिलाएं इधर एक साथ हंस रही हैं, बहुत सारी महिलाएं तो मैं देख रहा हूं लगातार घूर घूर कर देख रही हैं। मेरे अंदर कोई खासियत नहीं है, वो मुझे देखकर सोच रही है चलो अपना वाला तो इससे ढंग का है। तो जिसको लग रहा है कि वो ढंग के हैं, एक सच्ची घटना बताता हूं भाई साहब। जब से मेरी शादी हुई तब से लेके आज तक मेरी पत्नी रोज मेरे पर्स से 100 रुपए चुराती थी, 15 दिनों से 400 चुरा रही है। मैंने कहा ये परिवर्तन क्यों? बोली वो मोदी जी कह रहे हैं ना अब की बार 400 पार। तो भाई साहब 400 पार ऐसे भी हो रहे हैं। और एक टिप्पणी करता हूं, आप सबको मजा आ जाएगा, जिस तरह से कांग्रेस के लोग भाजपा में आ रहे हैं चुनाव के बाद भाजपा का नाम भांगरेस होगा। भांग, भांग।
पवार जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई तो तालियां बजनी चाहिए दोस्तों। ये मंच अपने आप में धन्य है क्योंकि मैं इस चीज को जानता हूं, पवार जी के सबसे नजदीकी लोगों में हूं। पवार जी लगभग 2-2.5 महीने से बहुत ज्यादा बीमार थे, लेकिन किसी कवि की कोई दवाई नहीं होती, उसकी दवाई सिर्फ आपकी ऊर्जा होती है, पर और पवार जी उसी के वशीभूत यहाँ पर आए हैं। उनको देख करके जो हमें संतुष्टि हो रही है, कवि सम्मेलन के मंच को जो खुशी मिल रही है, आप यकीन मानिए ये खुशी आप लोगों की वजह से मिली है, इसलिए मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। बहुत सारे लोग मोबाइल से मेरा वीडियो बना रहे हो, मेरा बना रहे हो ना, घर जाके भाभी जी को दिखाओगे, वो जूम कर करके मुझे देखेगी, तुमको अच्छा लगेगा? बताओ, मेरी वीडियो बना रहा है। महिलाओं को कुछ भी करके खुश नहीं कर सकते भाई साहब, 1000 तरीके अपना लो, महिलाएं खुश नहीं होती, हम पुरुष महिलाओं को देखते ही खुश हो जाते हैं। कोई तरीका अपनाने की जरूरत नहीं है। 4 लाइनें सुनिए, आनंद लीजिएगा। आज की बिल्कुल सच्ची घटना, इंदौर एयरपोर्ट पर मैं उतरा, उतर करके जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, आप लोगों ने बहुत शानदार व्यवस्था की थी, सभी कवियों के लिए अलग अलग गाड़ी, अलग अलग होटल के रूम, बढ़िया व्यवस्था। मैं गाड़ी में बैठा तो जैसे ही मैं मेन रोड पर आया तो मैंने देखा 2 आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे, आधे घंटे से गाली गलौज, जाम लग गया पूरा, मुझसे रहा नहीं गया, मैं गाड़ी से उतरा, मैंने उन्हें समझाया, तब मारपीट हुई। मेरे साथ वो पकड़कर मुझे बुरी तरह धुनने लगे, मैंने फिर समझाया तो अच्छी तरह धुना, समझाने समझाने पर होता है। लेकिन जितने भी लोग यहां पर आए हो, आपको एक बात, एक घटना बताता हूं, और जितने लोग हो एक साथ संवेद स्वर में तालियां चाहिए आपकी, आपको कवि सम्मेलन का आनंद आ जाएगा। मैं आपके जिस होटल में रुका था, बहुत देर से मैंने सोचा चलो यार चाय पी के आता हूँ जी, मैं भाई साहब चाय पीने गया, मैं जैसे ही चाय वाले के पास में चाय पी रहा था तो चाय पीते पीते एक कुत्ता आ गया, मेरे भीतर दया जगी, मैंने चाय वाले से कहा एक बिस्कुट का पैकेट दे, उसने एक बिस्कुट का पैकेट दिया, मैंने बिस्कुट को खोला, एक बिस्कुट निकाला और कुत्ते की तरफ फेंका, कुत्ते ने लपका और लपकते ही अलट पलट अलट पलट अलट पलट 1 मिनट में 12 बार पलटी खाई, नीतीश कुमार से भी ज्यादा, मैं गिन रहा था 1 मिनट में 12 बार, मैं घबरा गया, मैंने तुरंत ही जी गर्दन पकड़ ली चाय वाले की, मैंने कहा क्या मिला दिया तूने बिस्कुट में, ये तो अच्छा हुआ मैंने पहले नहीं खाया, नहीं तो मैं भी ऐसी पलटी मार रहा होता। तो चाय वाले ने जो जवाब दिया, जितने भी लोग सुन रहे हो सबकी एक साथ तालियां चाहिए, मैंने कहा क्या मिला दिया तूने बिस्कुट में, ये तो अच्छा हुआ मैंने पहले नहीं खाया, नहीं तो मैं भी ऐसी कुत्ते की तरह पलटियां मार रहा होता। तो चाय वाला बोला बाबूजी मुझे मत डांटिए, बिस्कुट पतंजलि का है, खाते ही कुत्ता अनुलोम विलोम कपाल भाति सूर्य नमस्कार प्राणायाम सब कुछ एक साथ करने लगा है। चीजों के इफेक्ट होते हैं। क्या शानदार तरीके से आप लोग हंस रहे हैं। इधर भाई साहब तुम तो ऐसे उदास बैठे हो जैसे पत्नी के पास बैठे हो, अपनी वाली के पास ही आदमी इतना उदास रहता है। एक दिन तो एक जगह मैंने एक शेर सुना था भाई साहब जी, आप सबको मजा आ जाएगा, पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्कुरा दो बदनसीबी भाग जाएगी। वाह 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 वाह, तालियां कमजोर है दोस्तों आपकी। पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्कुरा दो बदनसीबी भाग जाएगी, अगर मुस्का के बैठोगे, अगर मुस्का के बैठोगे पड़ोसन गाल चूमेगी, जो मुंह लटका के बैठोगे तो बीबी भाग जाएगी। अब भाई साहब एक जगह मैंने ये सुना दिया, सामने बैठे हुए 5 लोग उस दिन से मुंह लटकाए, कभी तो भागेगी। आदमी को कितना साहब कुछ भी समझा लीजिए, लेकिन ये 4 लाइनें, मैं देखिए मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूं, आपको बताया अभी भाई साहब ने, बिहार का रहने वाला हूं, और एक तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके कार्यक्रम के कारण आज महाकाल के मैं इतने अच्छे दर्शन कर पाया, इतनी दूर से आकर के महाकाल के दर्शन करना, और मैं आज के ही दर्शन के बाद कल पूरे 2 महीने के लिए अमेरिका की यात्रा पर चला जाऊंगा, तो आप लोगों की आशीर्वाद दुआएं सब साथ रहेगी, लेकिन महाकाल यात्रा का यह पुण्य मेरे साथ जाएगा,
लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मैं इतनी दूर से आया साहब, मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूं, वहां शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। हंसी तो अगली बात पे आएगी। जब से मैं दिल्ली रहने लगा तब से दिल्ली वाले भी एक एक करके बंद होने लगे हैं, और वो भी शराब में ही बंद हो रहे हैं। क्या बात है। ऐसा नहीं है, इस बार होली पे कमाल हुआ, एक जगह मैं गया दुकान पे लिखा था केजरीवाल गुलाल, मैं 5,000 रुपए के खरीद के लाया, आधा किलो दिया। मैंने कहा इतना महंगा? बोला हाँ भाई साहब, केजरीवाल गुलाल हर 15 मिनट में रंग बदल लेता है। वाह। मैंने कहा यार ये तो कमाल है, आप लोग सचमुच बहुत शानदार सुन रहे हो। 4 लाइनें सुनाता हूं, चुनाव आचार संहिता लगी हुई है क्या? वो क्या होती है? इतना सुनाने के बाद हट गई। हाँ, चुनाव आचार संहिता जो है वो बाउंड्री के उस पार है, है ना? तो हाँ, 4 लाइन सुनिएगा। एक तो भाई साहब मैं जैसी महिलाओं की तरफ देखता हूँ ना, ये मुझे देख के हंसने लगती है। मैं सच बता रहा हूं, मैं ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे सो रहा था, ऊपर वाली पे 30-40, नीचे पे 80-90। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90। बोली 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोली 18-20। मैं तो बीच के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश, चेष्टा। मैं सच बता रहा हूं आपको। तो मामला बिल्कुल अद्भुत है, बिल्कुल सच बता रहा हूं। आप लोग जिस आनंद और मस्ती के साथ सुन रहे हो, एक हार्ट हॉस्पिटल के बाहर इन सब कवियों ने वो शेर पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, आपने भी सुना होगा। एक हार्ट हॉस्पिटल के बाहर एक शेर लिखा हुआ था कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। वाह। जीवन में अगर एंजॉय का लेवल बढ़ जाए तो एंजियोग्राफी करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या बात है, क्या बात है। वाह। एक ब्यूटी पार्लर के बाहर लिखा था, सत्यम छुपम तब दिखम सुंदरम। शादी के ठीक 5वें दिन जहां से पत्नी तैयार होकर के आई थी, आदमी गया और जाकर के ब्यूटी पार्लर वाले को एप्पल का मोबाइल गिफ्ट किया। ब्यूटी पार्लर वाले ने जैसे उस मोबाइल के डिब्बे को खोला, उसमें से नोकिया 1100 निकला। क्या बात है। बिल्कुल सही समझे हो आप। तो ब्यूटी पार्लर वाले ने हाथ जोड़ लिए, बोले भाई साहब ये क्या मजाक है? बोला वही जो तुमने मेरे साथ किया है, तुम्हारे भी पैकेट से यही निकला है। आजकल एक नई चीज चल रही है गजेंद्र भाई, नई चीज चल रही है, आप सब सुन रहे होंगे मोए मोए, है ना? नई चीज चल रही है ना, कुछ दिन से ट्रेंड में है मोए मोए। भाई साहब एक मेरे दोस्त के साथ कमाल की मोए मोए हुई। उसने अमरूद खरीदा, आधा खाया तो देखा कि उसमें कीड़ा है, उसको लगा मोए मोए हो गई, लेकिन उसकी मोए मोए तो तब हुई जब कीड़ा भी आधा ही था। क्या बात है। धन्यवाद भाई साहब। एक चीज आपको और बता रहा हूं, परसों भाई साहब पत्नी बोली आज खाना मैं बनाऊंगी। धन्यवाद पवार। मैंने कहा जो तुझे सबसे अच्छा आता है बना ले, भाई साहब मुंह बना के बैठ गई। उसे उससे अच्छा कुछ आता नहीं था। 4 लाइनें सुनाता हूं, आनंद लीजिएगा। आप लोग बहुत सारे लोग यहाँ पे मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। एक चीज और कहना चाहता हूँ उज्जैन वालों, ये मस्ती आप लोगों की हो सकती है कि यहाँ पे लोगों को मैं देख रहा हूँ, घंटे भर से ज्यादा हो गया कवि सम्मेलन को शुरू हुए, लेकिन जो लोग वहां पर खड़े हैं वो 1 घंटे से खड़े ही हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये कविता के प्रति दीवानगी है उज्जैन वालों, जो यहाँ पे सुन रहे हैं उनको मैं धन्यवाद करता हूँ। पुलिस वाले भी बैठे हैं, पुलिस वालों को प्रणाम करता हूँ सर। नहीं मैं देखो पुलिस वालों को प्रणाम सच में करता हूँ। इंदौर से उज्जैन तक आते हुए रास्ते में 10 जगह पुलिस सहायता केंद्र मिले, एक भी जगह पे आयोजक सहायता केंद्र, कवि सहायता केंद्र, नेता सहायता केंद्र एक भी जगह नहीं था, पुलिस सहायता केंद्र 10 जगह थे। पुलिस सहायता केंद्र का अर्थ है जब भी आप पुलिस सहायता केंद्र के पास से गुजरे तो उनके सहायतार्थ। बस बाकी तो आप समझ ही गए हैं।
क्या बढ़िया श्रोता है भाई साहब, चार लाइन सुनिएगा आप लोगों को। एक तो साउंड वाले से निवेदन है, साउंड वाले इधर हो, इसका इसका थोड़ा इको ठीक कर दो। दरअसल क्या है कि ये गौरी जो है ना, ये सुर में गाती हैं, मैं महिषासुर में गाता हूँ। नहीं मैं पवार जी, वो ठीक कह रहे हो, कह रहे गाता तो महिषासुर में है, लेकिन मैं आपको बताऊँ, आज गौरी भी गई थी महाकाल के दर्शन करने, तो ये मुझे कह रही थी कि शंभू मैंने महाकाल के दर्शन तो कर लिए, भैरव के कर नहीं पाई, तो मैं इसके पास आके बैठ गया। दोस्तों दुनिया में सबसे बड़ा हास्य वही होता है जो अपने ऊपर किया जाए, दूसरों का तो हम उपहास ही उड़ाते हैं। अपने जख्मों का भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए लोगों को हंसाने के। वाह शंभु भाई, वाह वाह वाह, फोटो ले रहे हो? जवाब, मेरा डिजिटल कैमरे से नेगेटिव आता है। लाइव कर रहे हो, इतनी रात को रोज लाइव करते हो? जिस दिन तुम्हारे पास काम नहीं होता उस दिन क्या लाइव करते हो बताओ? इस आदमी को लाइव करने की आदत पड़ी हुई। इसका लाइव भी कमाल है। चार लाइन सुनिए, आनंद लीजिए, बिल्कुल आनंद की अनुभूति आप लोगों ने ला दी है, इतना बढ़िया सुन रहे हैं साहब। आजकल लोग जिसे देखिए रील्स बनाने में लगे हुए हैं, हर आदमी रील बनाने में लगा हुआ है, जो बनाने में नहीं लगा हुआ देखने में लगा हुआ है। इन रील बनाने वालों का क्या हल होता है? चार लाइनों का आनंद। गजेंद्र भाई स्वागत है भाई। कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर मात। एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों, आज विष्णु दादा जानते हैं, वो मेरे बारे में कहते हैं अक्सर, वो कहते हैं कि शंभू उसी दिन घर रहता है जिस दिन देश में कहीं कवि सम्मेलन ना हो, मतलब इतनी ज्यादा कवि सम्मेलन रहते हैं। आज मैं सच बता रहा हूँ, लगातार 47वां दिन है जब मैं कवि सम्मेलन में हूँ, लेकिन मैं आपको ये इसके लिए ताली नहीं बजानी, ताली इसलिए बजानी है, जब मैंने इस पर गाना शुरू किया तो मुझे अब तक का सबसे अच्छा साउंड सिस्टम मिला है। एक बार साउंड वाले के लिए तालियां बजाइए। क्या बात, बहुत अच्छा साउंड है भाई साहब आपका, बिल्कुल आवाज नहीं खींच रहा जैसा होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसा साउंड कवियों को बहुत मुश्किल से मिलता है, इसलिए आपको मैं प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं। एक बार इसके लिए जोरदार ताली बजाइए, छोटा काम नहीं है, बहुत अच्छा साउंड है गजेंद्र। कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेर पंडित जी के साथ ले लिए। दुल्हन कहा गया तो पंडित जी, ये भी पंडित ही है, फेरे लेने ये उल्टे लेने गए होंगे। देखो भाई साहब, एक तो ये मतलब एक चीज आपको और बताऊं, उज्जैन को पूरी दुनिया इसलिए जानती है क्योंकि यहाँ महाकाल है, लेकिन पूरा साहित्यिक जगत उज्जैन को इसलिए भी जानता है क्योंकि यहाँ पर दिनेश दिग्गज हैं। दिनेश दिग्गज के नाम को हम पूरी दुनिया में जानते हैं। जिस देश विदेश की यात्रा मैं आज कर रहा हूँ उन सब जगहों पर न जाने कितनी कितनी बार भाई साहब जा करके और आपके क्षेत्र के नाम को रोशन करके आए हैं। इनके नाम की तालियां एक बार जोरदार होनी चाहिए दोस्तों। और एक चीज आपको और बताऊं, आज की तारीख में सबसे महंगे कवियों में से आदरणीय हरिओम पवार इस मंच पर हैं, लेकिन आपको यह बता दूं, पवार जी से लेकर और मैं तक, चाहे गजेंद्र हो, हम लोगों ने भाई साहब से कभी पैसे की बात ही नहीं की, इन्होंने जो दिया रख लिया, लेकिन इन्होंने हमेशा बढ़ा के दिया, ये इनका बड़प्पन है। शंभु कमाल है भाई, कमाल है, कमाल है। क्या खाली है महाकाल की नगरी से, कोई खाली जाता है क्या? क्या बात है, क्या बात है, वैसा तो कह रहे खाली है। ऐसे थोड़ी यार, मैं बिहारी हूँ, मूर्ख थोड़ी। भाई साहब देखो, आपको एक चीज बता रहा हूँ, आप बुरा मत मानिएगा, ऊपर से क्या है ना, अग्रवाल है। अरे वाह भाई साहब, तो क्या हो गया, हो गया। फिर तो खाली भेज ही सकते हो। मतलब लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपके जो सर के बाल उड़े हैं ना, वो रोशनी ऐसे टप्पा खा के आंखों में लग रही है मेरे। टप्पा खा के, टप्पा, अरे नहीं नहीं मत जाओ, आप कहाँ जा रहे हो? सीरियस हो? बस आप एक बार ऐसे बीच बीच में उठते रहे ना, कुर्सी को भी सांस लेनी होगी। तो ठीक है भाई साहब, चार लाइन सुनिएगा। तुम कहाँ जल्दी आ रहे पुत्र, तुम भी अग्रवाल हो क्या? अब सुनिएगा चार लाइनें साहब,
और ये चार लाइनें आप बस आनंद लीजिएगा कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी हम, अग्रवाल साहब ने ताली बजा दी, तब तक तुम्हें ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है, राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, सलमान के जैसे भले बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। वाणी में तो अद्भुत ही, कभी क्लास में अध्यापक आए बोले कौन बेवकूफ खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया, बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। चीनी को जमा करके, संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय हिंदी में अनुवाद करो, मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। चीनी को जमा कर, हिंदी के अध्यापक आए, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा आएगी कि छोटी की, मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। चीनी को जमा कर, वो हिंदी वाला गया ही नहीं, बोला आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है, मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा करके, मैं सच बता रहा हूं आपको, हास्य व्यंग एक साथ, चुनाव आचार संहिता भले ही हो, आप किस पार्टी के सोचते हो, मैं क्या सोचता हूं, सारी एक तरफ। उज्जैन वालों मुझे बताना कि आप लोग व्यंग कैसे सुनते हैं, पंडित ओम व्यास की धरती है ये, आप व्यंग कैसे सुनते हैं बताइएगा। हिंदी के अध्यापक आए, हिंदी के अध्यापक आए, बोले माल्यार्पण किसे कहते हैं, मैंने कहा जब सरकार हमारी सारी संपत्ति इकट्ठा करके माल्या को अर्पित कर दे। चीनी को जमा करके, वो गणित वाला आ गया, अच्छा। बोला मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे, मैंने कहा नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते, मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। चीनी को जाओ, गणित वाला गया ही नहीं, बोले दशमलव किसे कहते हैं, मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लव हो जाए। चीनी को जो गणित वाले ने फिर पूछा, बोले एक्स की वैल्यू बताओ, मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चीनी को जमा कर, क्या हुआ अग्रवाल जी, आपकी भी एक्स है क्या है? लो मैं पहन लूंगा। अरे आप बिना देख खींचने ले। ये एक बात बताओ, ये एक्स की वैल्यू पे ही माला क्यों पहना? संजू यहाँ पकड़ा गया, आप डबल एक्स पे तो पता नहीं क्या क्या कर दो। चीनी आज तो ये मुझसे गौरी पूछ रही थी, बोली शंभू कोई लड़की तुम्हारा मन चुरा ले तो उसे क्या कहोगे, मैंने कहा मंचूरियन। चीनी, चीनी सच बिल्कुल आप, मैंने तो बचपन में पिताजी से कहा था पिताजी लव मैरिज करूंगा, बोले बेटा लव मैरिज कर लियो, शक्ल दिखा के तो होगी नहीं। चीनी को जब, मेरे पड़ोस में रोज एक लड़की नागिन डांस करती थी, एक दिन मैंने घंटी बजाई वो निकल करके आई, मैंने पूछा तुम ही रोज नागिन डांस करती हो, बोली हाँ, मैंने कहा कभी डस भी लो। चीनी, चीनी को जमा करके, आनंद आ रहा तो तालियां थोड़ी सी घनीभूत करिए। चीनी को जमा करके फिर से मित्र मिले हम चार, एक बोला सुन यार जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है, दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है, तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूँ, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है, मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी। चीनी को जमा करके, मैं सच बता रहा हूँ, वो अंग्रेजी का अध्यापक आ गए,
बड़े खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने कहा आई लव यू। मैं सच अच्छा मैं सच बता रहा हूँ, वो पता है कॉपी पेस्ट, महिलाएं बैठी हुई, आपने कॉपी पेस्ट सुना है ना, इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ अग्रवाल जी और महिलाओं ने किया। ये नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती हैं, ऊपर पप 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 हो गया कॉपी पेस्ट के, चीनी को जमा कर के फिर। सच बता रहा हूं दोस्तों, जीवन में एक चीज समझ लो, जीवन में हमेशा एक चीज समझ लो, हमेशा आदमी को लव मैरिज करनी चाहिए। अच्छा, पता है ना लव मैरिज अरेंज मैरिज में फर्क, लव में आदमी अपनी वाली से करता है। और लव भगवान राम को भी हुआ था, बाद में कुछ हुआ। चीनी को जमा, विज्ञान के अध्यापक आ गए। अच्छा, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा कर क्या, बिल्कुल सही समझा आप लोग, चीनी को क्या बढ़िया, आप लोग हंस रहे हो यार, मैं सच बता रहा हूं, इतने दिनों की थकान जो आप लोगों ने मेरी उतारी है ना, मैं एक एक व्यक्ति के चरण छूकर प्रणाम करना चाहता हूं। मैं आपको सच बताऊं, हम जितने भी कवि हैं ना, ये सब चंद्रमा हैं, इनके पास अपनी कोई रोशनी नहीं है, इनकी रोशनी सिर्फ आप जैसे सूरजों से ही मिलती है। आप लोग सूर्य हैं, हम चंद्रमा हैं, आप जो ऊर्जा देंगे उसी ऊर्जा को हम बढ़ाएंगे। मैं अंतिम चार लाइनें सुनाता हूं क्योंकि टीम बहुत लंबी है। एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, मैं लगभग 47-48 दिन अमेरिका में रहूंगा, अभी कुछ दिन पहले 4 दिन के लिए भी गया था। मैं जिस भी जगह जाऊंगा, जिस भी शहर में जाऊंगा, या अभी तक मैं जिस भी मंच पर जाता हूं, हमेशा धोती कुर्ता पहन करके ही जाता हूं। इसके पीछे कारण ये नहीं है कि मुझे नए कपड़े अच्छे नहीं लगते, मैं धोती कुर्ता सिर्फ और सिर्फ इसलिए पहनकर जाता हूं, चाहे वो मेरे बिहार का कोई गांव हो, आपके मध्य प्रदेश का कोई गांव हो, चाहे भारत का कोई भी गांव हो। हमारे गांव में जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति मरता है ना, तो बुजुर्ग नहीं मरता, उसके साथ धोती पहनने वाला एक आदमी कम हो जाता है। हमारे परिधान कहीं ना कहीं खत्म होने लग गए हैं, हमारे संस्कार कहीं ना कहीं खत्म होने लग गए हैं। अंतिम चार लाइनें आपको सौंपता हूं और जगह लेता हूं कि मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूं मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छांटता हूं मैं, भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूं मैं, बस इसलिए ही सब। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।